सभी के दिमाग में एक प्रश्न तो उठता ही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया सोमालिया में कि वहां के गरीब मछुआरों को लूट का रास्ता अपनाना पड़ा। ये जो नुकीला हिस्सा दिख रहा है इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, सोमालिया के एरिया है। ये अफ्रीका है, अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा है ये, इसे गल्फ ऑफ एडन कहते हैं इस एरिया को। यहाँ रेड सी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ रेड सी है, रेड सी काफी गर्म रहता है, गल्फ है, चारों ओर से जमीन ये रेगिस्तान से घिरा हुआ है, तो यहाँ से हॉट स्ट्रीम और यहाँ की कोल्ड स्ट्रीम मिलती है, तो ये बड़ा ही अच्छा एरिया है मछलियों के लिए, मछलियां खूब पैदा होती हैं। तो सोमालिया के जो फिशरमैन थे बड़े खुश रहते थे, मोती पैदा करते थे, मोती का उत्पादन करते थे, प्रसन्न रहते थे। तो उसकी नजर लग गई हमारी कुछ जापानी दोस्तों की। जापान जैसे कि मछली का बहुत बड़ा बड़ा जो है कंज्यूमर है, मछली बहुत खाते हैं यहाँ के जापानी लोग, तो इन्होंने जो है अपनी फिश फैक्ट्री, ऐसी शिप जो कि फिश फैक्ट्री भी थी, इन्होंने ला के दो तीन यहाँ खड़ी कर दी। जो शिप फिश फैक्ट्री होती है उसमें मछली पकड़ने का पूरा संसाधन होता है, प्लस फिर मछली को प्रोसेस करने का संसाधन होता है, यानी कि मछली को काटने पीटने साफ करने का, और डब्बा में बंद करने का भी संसाधन होता है। तो यानी कि सीधा सीधा मछली पकड़ो, डब्बे में बंद करो और यहीं से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चालू कर दो। तो यहाँ पे मछलियां दो तीन लाके ये लोग शिप खड़ा कर दिए और धनाधन धनाधन मछलियां पकड़ने लगे। इससे क्या हुआ कि सोमालिया के तट के आसपास मछलियों की संख्या बहुत भारी संख्या में कमी हो गई। तो यहाँ के मछली वाले मछली फिशरमैन जाल डाल के बैठे रहते थे, मछलियां नहीं आती, तो बहुत परेशान हुए। साल बीत गया, भूखमरी सी हो गई कि भाई यहाँ तो अभी मछली ही नहीं बची, तो कारण क्या है? तो सामने जो जहाज आके खड़ा है वो पूरी मछली लेके जा रहा है। तो एक बार क्या हुआ, कुछ लोगों ने ग्रुप बना के उस बोट पर अटैक कर दिया। अटैक किया है कि मतलब खाली गए हैं डंडा लाठी लेके, और उनके पास कुछ नहीं होता है, लाठी डंडा लेके उस शिप पे पहुंच गए फिश फैक्ट्री के पास और चढ़ गए। उनका यही मकसद था सिर्फ कि इस जहाज वालों को मार पीट के यहां से भगा देना, और कुछ नहीं था। बड़े सिंपल लोग थे, सीधे साधे एकदम मछेरे लोग। समस्या हुई कि जब वो लोग जहाज पे चढ़े तो जहाज पे इतना वैभव था, इतना पैसा था, इतनी चीजें थी जो कि उन लोगों ने कभी देखी ही नहीं। किसी ने कुछ उठाया, किसी ने कुछ उठाया, कैप्टन के कमरे में घुस गए, कैप्टन ने कमरे में जब डांटना पीटा, दो तीन थप्पड़ मारा जापानी कप्तान को, तो जापानी कप्तान धनाधन निकाल के अपनी तिजोरी खोल दिया, डॉलर मिल गए उनको वहां पे। तो वहां पे जो गया वो उस दिन अपने अमीर होके लौटा, आके बता रहा है कि भाई इतना आसान है किसी जहाज को लूटना, बस चढ़ जाओ, दौलत ही दौलत है वहां पे। वो फिश फैक्ट्री तो भाग गई लेकिन दो तीन और थी। पर इसके बाद ये सोमाली जो गरीब थे जिनके पास बोट थी, मच्छी मार बोट थी, छोटी मोटी बोट थी, उन लोग को आइडिया आया कि ये काम तो बड़ा अच्छा है, एक जहाज लूटो, अरे $1,000 भी मिलते हैं एक आदमी को, $1,000 उन लोग के लिए बहुत चीज है, जो रोज $1-$2 कमाते हैं उनके लिए $1,000 तो बहुत चीज हो गई अच्छी, तो जाके लूट के ले आते हैं। तब ये लोग छोटी मोटी बोट से, छोटी मोटी मोटर बोट से छोटे मोटे शिप को अटैक करना शुरू किए। पहले इनका ध्येय था कि खाली हम जाएंगे लूटपाट करके चले आएंगे, सामान वामान लेके चले आएंगे। एक शिप ऐसा मिला इनको कि कैप्टन के पास पैसे नहीं थे, कैप्टन तिजोरी खाली थी और बहुत ज्यादा सामान नहीं मिला, कोई गरीब कंपनी रही होगी, गरीब लोग सेलर थे उसमें। तब इन्होंने बोला कि अपने तुमको तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं जब तक हमको पैसा नहीं मिल जाता। कैप्टन ने फोन कर दिया अपनी कंपनी को, कंपनी ने बोला भैया रुक जाओ, हम पैसे दे देते हैं, जहाज को छोड़ दो। ऐसे शुरू हुआ फिरौती का धंधा, गए शिप को पकड़ लिया, कंपनी को फोन लगाओ पैसे दे, ठीक, दो तीन बार ये सब चला, 10-15 बार ये सब चला। एक बार क्या हुआ कि $5 million कैश हेलीकॉप्टर से लटकाया जा रहा था जहाज के ऊपर, जिस जहाज पे कब्जा करके रखा था सोमाली लोगों ने। अब बंदूकें तो आजकल मिल ही जाती हैं सब जगह, जब पहले डंडा लेके जाते थे, बंदूकें लेके जाने लगे, टूटा फूटा बंदूक। $5 million यानी कि $50 लाख
हेलीकॉप्टर से लटका रहे थे उस जहाज के ऊपर और गिराया। बाई चांस जिस सूटकेस में था वो सूटकेस जहाज पे न गिर के पानी में गिर गया टपाक। 5 लाख 50 लाख डॉलर $5 मिलियन पानी में गिर गया। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ उसकी खबर मुझे नहीं है, लोग लेकिन लोग देखते रहे। कंपनी ने दोबारा भेजा उसको, फिर से उसको पैसे से मिले। ये बात खबर फैली है आपके यूरोप में पूरी बुरी तरह से कि ऐसे $5 मिलियन जो है पानी में गिर गए। जब $5 मिलियन का खबर सुना यूरोपियन माफिया ने तो उनकी चुंडी हो गई खड़ी कि अरे $5 मिलियन पानी में डाल दिया ऐसे, हमारा $5 मिलियन में हम लोग क्या क्या कर देते। तब अब जाके यूरोपियन माफिया घुस गया सोमालिया, सोमालिया में जाके सोमालियन पायरेट्स जो जो दो चार लोग अनुभवी पायरेट्स थे जो कि दो चार कांड कर चुके थे उनको मिलाया जुलाया बिठाया, इधर आओ, बोला कि हम तुमको तनख्वाह देते हैं, हम तुमको महीने का $10,000 दे देंगे, $5,000 देंगे, जो भी जैसा भी तुम हमारे लिए काम करो, भले ही तुम जहाज पकड़ो चाहे ना पकड़ो हम तुमको तनख्वाह देते रहेंगे, लेकिन जितना पकड़ोगे उतना तुमको हम बोनस देंगे। तो इन्होंने एक फैक्ट्री में बदल दिया, एक कारोबार बना लिया। ये जो है अब इन पायरेट्स को इन्होंने बढ़िया बंदूकें दी, रॉकेट लॉन्चर्स दिए, आरपीजी दिया, फास्ट बोट दी। ये अभी तुम छोटा मोटा बोट पकड़ते थे, अब हम तुमको बढ़िया फास्ट बोट देते हैं और उसको लेके जाओ, और जो बढ़िया बढ़िया थोड़ा और दूरी में बढ़िया जहाज जा रहे हैं बड़ी कंपनियों के बड़े जहाज उन पे अटैक करो। साथ में इन्होंने कहा कि तुम्हारी मोटर बोट इतनी दूर नहीं जा सकती, तुम एक छोटा सा जहाज को पहले कैप्चर करके अपने पास रखो, उसको मदर वेसल बना लो। तो अब सोमाली पायरेट्स थोड़ा एजुकेट हो गए, अभी लोग इन लोग के हाथ पे आ गया, इन लोग के सिर पे आ गया यूरोपियन माफिया का हाथ साया आ गया, तो भाई ठीक है तुम हमारी छत्र छाया में हो ठीक। अब इन्होंने यह छोटा बोट को पकड़ के मदर वेसल बना लिया, उस मदर वेसल पे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फास्ट बोट रखी, समंदर में और अंदर जाने लगे, 100 माइल अंदर जाने लगे, 200 माइल अंदर जाने लगे, यहाँ पे इसी गल्फ ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी गल्फ ऑफ एडन यानी कि सोमालिया के तट, सोमालिया का तट बहुत बड़ा है यहां से लेकर नीचे यहां तक ठीक, यहां जाने लगे और अब बड़े जहाजों को अटैक करने लगे। बड़े जहाजों के आगे अब बड़े जहाज कितना तेज चलाएंगे, फास्ट बोट के आगे निकल नहीं सकते थे उस समय तक, पायरेसी से निपटने के लिए बहुत हम लोग ध्यान नहीं देते थे, न बार्ब वायर न कटीला तार लगाते थे न दाहिने बाएं करते थे, तो बहुत जहाजों को इन लोगों ने अटैक किया, बहुत जहाजों से इन्होंने फिरौती ली। अब यूरोपियन माफिया को मालूम था कि अगर हम समुद्र के बीच में पानी में डालेंगे $5 मिलियन $10 मिलियन एक तो बहुत समय लगेगा, ऊपर से हो सकता फिर पानी में गिर जाए, हमको पैसा ना मिले रास्ते में, ये जो है सोमालिया वाले लोग लोकल लोग आधा तीहा पैसा खा पी ले। तो इन लोगों ने कंपनी के जो हेडक्वार्टर है उनसे सीधा बात करना शुरू किया कि भाई आपका एक जहाज वहां कब्जे में है हम छुड़ा देंगे। और ये बात करने वाला कौन था, लंदन में 3-4 कंपनी खुल गई, अच्छा खासा शटर लगा के बोर्ड लगा के कंपनी खुल गई, किडनैप एंड रैनसम कंपनी उनको बोलते थे, K&R कंपनी, उसमें लॉयर लोग बैठे, आर्बिट्रेटर लोग बैठे ठीक है, वो लोग लॉयर लोग बैठ के टाई वाई लगा के बैठे, बोले किडनैप एंड रैनसम कंपनी, फलाने किडनैप एंड रैनसम कंपनी, KNR कंपनी। वो KNR कंपनी का यही काम होता था कि ये देखते थे जहाज कौन सा गायब हुआ सोमालिया में, और उनका काम होता था कि भाई ठीक है जिसने गायब किया उनसे कांटेक्ट करो, जो कि नॉर्मली माफिया रहता था, उनकी अपनी ही कंपनी है मोस्टली, और जिस कंपनी का जो गायब हुआ उनसे कंपनी से सीधे डायरेक्ट बात करते कि आपका एक जहाज गायब हुआ है, बोलिए तो हम लोग मेडिएट करके आपका जहाज छुड़वा देंगे बहुत जल्दी, 5% डिस्काउंट भी देंगे आपको, और हम अपना जो है 5% कमीशन ले लेंगे, ऐसे ऐसे करके निगोशिएट करके। मतलब यहाँ पे सोमाली जो ठाक ठुक करते रहते थे, उनको $10,000-$20,000 $20,000-$25,000 $50,000 $1,00,000 दे देते थे, और उधर मिलियंस और मिलियंस डॉलर का खेला जो है यूरोप में यूरोपियन माफिया लंदन के लॉयर लोग कंपनी के बीच में हो जाता था। यहाँ खबर आती थी लंदन में, यहाँ भाई पेमेंट हो गया जहाज छोड़ दो, यहाँ पे सोमाली पायरेट ही करके दांत निकालते टाटा करके चले आते थे।
काम यहाँ पे हो रहा है, मलाई यहाँ यूरोपियंस खा रहे थे मोस्टली। उसके बाद कैसे कैसे इन्हों एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हुआ, देखो ये सब होता रहा है, होता रहा, सब चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि अच्छा खासा चल रहा है, पूरा बिजनेस चल पड़ा। अब जो है जहाज की कंपनी में ने कहा त्राहिमाम त्राहिमाम, कहीं से तो कुछ रक्षा करो, तो आईएमओ ने कहा ठीक है, हम अलाउ करते हैं कि आप लोग जो है आर्म गार्ड्स रख लीजिए, मतलब कि बंदूक बंदूक लेके आप लोग गार्ड रख सकते हैं उस एरिया के लिए। तो अब क्या हुआ कि यूके के ही, अमेरिका के ही और यूरोप के अलग देशों के जो पुराने जो फौजी थे, जो रिटायर हो चुके थे, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी बनाई और बताया कि हम लोग मरीन सुरक्षा के लिए एक्सपर्ट हैं, हम आपको अपनी सर्विस देंगे। तो अब शिपिंग कंपनी ने उन लोगों को हायर करना शुरू किया और जो है काम जनरेट हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। यहाँ से ये लोग श्रीलंका से बैठते थे जहाज पे आके, अपना बंदूक बंदूक लेकर गल्फ ऑफ एडन पार किया, सोमालिया पार्ट पोर्ट पार किया और जाके यमन के आसपास या फिर स्वेज कनाल में उतर जाते थे। ठीक है, पैसा मिला इन लोग को, नोट मिला, जहाज भी बोला हम सुरक्षित है। जिस जिस जहाज पे आर्म गार्ड्स रहे उस जहाज पे अटैक नहीं हुआ है, अटैक हुआ भी है तो बिना बोर्ड के लोग चले गए वापस। ठीक है, उसी हिसाब से जब इधर से जहाज आता है तो यहाँ स्वेज कनाल से आर्म गार्ड्स बैठ जाते थे और गल्फ ऑफ एडन होके श्रीलंका पे यहाँ पे उतर जाते थे। तो बहुत सारे फौजियों को नौकरी मिल गई इसी तरह से, यहाँ से वहां यहाँ से वहां, तो सबका काम बड़ा अच्छा चल रहा था। दिक्कत एक हो गई कि सोमाली पायरेट्स ने गलती से मर्क्स के एक जहाज को किडनैप कर लिया, जिसपे की पिक्चर बनी है कैप्टन फिलिप। तो अमेरिका का रजिस्टर्ड शिप था तो वहां थोड़ा सा, और जो कैप्टन था वो अमेरिका था और क्रू मेंबर्स अधिकतर अमेरिका थे, इंडियंस थे और इधर उधर की नेशनलिटी के थे। अब चूंकि अमेरिका तो दादा है पूरी दुनिया का, अमेरिका पे कैसे हावी हो गए लोग, तब वहां पे अब थोड़ा खोबड़ाना शुरू किया। हालांकि कमांडो समांडो गए, दो चार पायरेट मारे, एक को पायरेट को लेके चले गए अमेरिका, कैप्टन फिलिप जो है कांपते रहे बेचारे। हालांकि अब सब श्रेय अपने ऊपर ले लिया कि मैंने किया मैंने किया, लेकिन भूल गए लोग कि कहानी असली जो मेन जो कैरेक्टर का हीरो था, उस कहानी का हीरो था उस जहाज का चीफ इंजीनियर था। उसके कारण जो है समझ लीजिए कि पूरी तरह से कंट्रोल क्रू पे नहीं कर पाए, वो कहानी में धीरे से दबा दी गई। लेकिन डिस्कवरी का एक आता है, ये डॉक्यूमेंट्री है इसी पर, इसी घटना पर, तो उसमें क्लियरली कैप्टन फिलिप में तो एक पिक्चर था, उसमें एक सिनेमा की तरह से पोर्ट्रेट किया गया था, लेकिन जो चीफ विनर था और चीफ विनर के साथ साथ एक फिटर था, जहाँ तक उसने एक स्क्रू ड्राइवर से एक एक पायलट को भोंक भी दिया था, घायल भी कर दिया। तो ये जो दो चार लोग थे, और चीफ विनर, ये जो चीफ विनर था अपनी जान पर खेल कर डेक पर निकल कर जनरेटर वगैरह भी बंद किया था, उसने जाके इमरजेंसी जनरेटर वगैरह चलाया था, बंद किया था जो भी था, यानी वो कहानी अलग है। तो इसके बाद में अब यूएस तो दादा है, यूएस के जहाज पे अटैक हो गया इस तरह से, तो अब हड़बड़ी मच गई थी, कुछ तो होगा कुछ होगा। तब जो है इन्होंने आईएमओ ने रेजोल्यूशन वगैरह पास करना शुरू किया और अंतर्राष्ट्रीय नौसेना उस एरिया में लगनी शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय नौसेना ने अपना जहाज, अंतर्राष्ट्रीय नौसेना मतलब कि इधर का जहाज उधर का जहाज, इधर का जहाज उधर का जहाज, अमेरिका का कुछ वारशिप, इंडिया का कुछ वारशिप, कुछ ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, अलग अलग जगह के लोगों ने अपने अपने एरिया में यहाँ पेट्रोलिंग शुरू कर दी इस एरिया में। जब पेट्रोलिंग शुरू की है तो भी होता था कि भाई अगर जहाज पे लोग पहुंच जाए, शिप पे लोग पहुंच जाए, तो कैसे कोई नौसेना जाके उस पर अटैक कर सकती है, क्योंकि नौसेना अटैक करेगी तो पायरेट्स के साथ साथ जहाज का जो क्रू है वो भी मरेगा, क्या किया जाए। तो आईएसपीएस ने थोड़ा सा और चेंजेस किए, उसमें बोला कि सिटाडेल बनाओ। सिटाडेल क्या होता है, एक किले जैसा एक कमरा है जो कि सिक्योर है काफी, जिसमें कि हम ये सोच सकते हैं कि बाहर से कोई अटैक करेगा तो कोई हमला नहीं होगा। सिटाडेल एक छोटा सा किला समझ लीजिए, कैसल सिटाडेल। तो जहाज का एरिया ढूंढा जाने लगा, कमरा है या कोई कंपार्टमेंट है जिसको कि सिटाडेल का रूप दे दिया जाए। सिटाडेल में क्या है कि बाय चांस आप के जहाज पे पायरेट्स आ जाते हैं, वैसे तो कोशिश करिए कि ना आए, कैसे रोकेंगे, तो जहाज का जो नीचे का हिस्सा है उसमें आप बार्ब्ड वायर, जो कटीले तार है वो लगाइए, जहाज की स्पीड को मैक्सिमम रखिए, जल्दी से एरिया से निकल जाइए,
पानी के होस जो है उसको प्रेशराइज करके रखिए, पानी जहाज पे चढ़ने की कोशिश करें तो पानी के होस से उसको मारिए, आर्म गार्ड्स रखिए। तो ये सब तरीका है, कैमरा वगैरह रात का नाइट विजन वगैरह रखिए, आसपास कोलिशन फोर्सेस के कांटेक्ट में रहिए। इसके बाद भी अगर पायरेट्स जहाज पे आ जाते हैं तो सारे के सारे ये जो है आपका शिप सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम SSAS शिप सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम जो है आपका उसका अलार्म को बराबर चेक करके बराबर रखिए। शिप सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम दो अलार्म बटन होते हैं जो कि दोनों छुपे होते हैं, एक ब्रिज पे रहता है कहीं पर छुपा कर ही, और एक कैप्टन के केबिन में या फिर उसी के आसपास में रहता है। उसमें से एक बटन का आपको नॉलेज होना चाहिए जहाज पर कि अगर जहाज पे पायलट्स आ जाते हैं उस बटन को दबा देंगे तो चुपचाप अलार्म बजेगा, जहाज पे हल्ला गुल्ला नहीं होगा, चुपचाप अलार्म बजेगा। कहाँ बजेगा? आपके ऑफिस में बजेगा और आसपास का जो भी सिक्योरिटी सेंटर है वहाँ पे बजेगा कि इस जहाज पे पायरेट का अटैक हो रहा है। आप कंपनी में जाएगा, कंपनी का शिप सिक्योरिटी कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर के पास बजेगा वाला। एनीवे, एक बार जब पायरेट आ गए जहाज पे तब आपका जो कप्तान है वो सबको इंस्ट्रक्शन देगा एज पर योर शिप सिक्योरिटी प्लान सारे के सारे लोग सिटाडेल में घुस जाओ। सिटाडेल कोई भी कमरा बना सकते हैं जैसे सिक्योरिटी के हिसाब से वो डिसाइड करता है शिप सिक्योरिटी ऑफिसर और कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर। उस कमरे में घुस जाओगे और अंदर से बंद करके चुप मार के बैठ जाओगे। सिटाडेल के अंदर में एक या दो दिन का खाना पानी का इंतजाम होगा, टॉयलेट का इंतजाम होगा, पानी का इंतजाम होगा, एक रेडियो भी होना चाहिए, सैटेलाइट रेडियो भी होना चाहिए। और आजकल जो नए जहाज बन रहे हैं वो सिटाडेल बनाए जा रहे हैं अलग से, उसमें सब सुविधा है, उसमें सीसीटीवी भी है, इंजन का कंट्रोल भी है, जनरेटर का कंट्रोल भी है, स्टीयरिंग भी है। तो ऐसे सिटाडेल नए जहाजों में बनाए जा रहे हैं। पुराने जहाजों में नॉर्मली पुराने कोई कमरा है, कंपार्टमेंट है, जिमनेजियम है। कई जहाजों ने स्टीयरिंग रूम को ऑप्ट किया कि यहाँ हम सिटाडेल बनाएंगे और सब अरेंजमेंट करेंगे। तो सिटाडेल में आप एक बार घुस जाएंगे और सारा का सारा स्टाफ घुस जाएगा तो नेवी आराम से आ जाएगी आपके जहाज पर और जो चढ़े हुए पायरेट्स है उनको फोड़ देगी अच्छे से। लेकिन सिटाडेल में सबका घुसना आवश्यक है। अगर एक भी या दो भी आदमी बाहर रह गए तो उनको बंधक बना लेंगे ये लोग और कोशिश करेंगे बच के निकल जाए, यार नेवी को बोलेंगे कि भाई तुम आओगे तो इनको मार देंगे। ये थी कहानी पूरी यहाँ पे पायरेट्स की, पायरेसी की, अपहरण की। उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा। Thank you.